हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम छोटे बेबी के लिए, जैसे खाना खाने के वक्त जो कपड़े गंदे करते हैं तो हम बेबी विग बनाते हैं। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जब भी हम उसको खाना खिलाते हैं तो उसको गले में बांधने के लिए, जैसे कपड़े के ऊपर हम इसको बांधते हैं, तो ये छोटे बच्चे के कपड़े भी गंदे नहीं होते। और तो ये कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो हमने ये डबल कपड़ा लिया है, यहाँ पे हमने ये डबल कपड़ा लिया है। ये हमने चौड़ाई में 7 इंच और लंबाई में 7 इंच इस तरह से लिया है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे भी हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। तो हम इसको राउंड शेप देते हैं, यहाँ पे भी हम राउंड शेप देंगे। जैसे 1 इंच का जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे हमने राउंड शेप देना है। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। फिर इसको हमें इस तरह से इसको ये निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो राउंड शेप में हमने शेप दिया था उसको कट करेंगे। और ये 1.5 इंच का जो हमने शेप दिया था उसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये कट किया है। और ये डोरी ली है, ये पट्टी ली हमने डोरी बांधने के लिए। जैसे दोनों साइड में हम ये डोरी तैयार कर लेते हैं। अब इसको बीच में हम इसको बाद में कट कर लेते हैं। जब भी हम ये डोरी बनाते हैं तो उसके बाद हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हमें इसका ऊपर यहाँ पे हमने ये डोरी तैयार करनी है। अब ये बेबी विग कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये जो है गले का जो शेप है, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद ये गले के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब राउंड में सिल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी जगह रखी है, यहाँ पे हमने ये पूरे राउंड में ये स्टिच किया है और यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी जगह रखी है। अब इसको हमें इसका सीधा करना है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको सीधा किया है। सीधा करने के बाद ये जो जगह हमने रखी थी इसको दोनों साइड में हम इसको अंदर के साइड में इसको फोल्ड करके फिर यहाँ पे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये थोड़ा सा अंदर के साइड में मोड़ते हैं। और यहाँ पे हमें इसको सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमने ये स्टिच किया है। अब ये इसकी डोरी बनाते हैं। यहाँ पे हमें इसकी डोरी बनानी है। आप चाहे तो पतली भी बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें ये डोरी तैयार करनी है।
यहाँ पे हमने ये डोरी बनाई है। अब इसको इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं दूसरे साइड में भी। हमें इस तरह से इसको इस तरह से हमने ये डोरी लगाई है। तो अब छोटे बच्चे के गले में, जैसे ये बच्चे खाना खाते वक्त जो कपड़ा गंदा करते हैं, तो उसके गले में खाना खाने के वक्त यहाँ पे हमें इसको इस तरह से बांधना है। तो ये हमने छोटे बेबी का बेबी विग बनाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।